वर्ल्ड कप 2019 के अब लगभग आधे मैचेस खेले जा चुके हैं और अब उन टीमों के नाम भी सामने आने लगे हैं जो कि वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से आधिकारिक और टेक्निकल रूप से बाहर हो चुकी हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसी चार टीमों के नाम बताने वाला हूं जो कि अब कुछ भी कर लें सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती। सारे स्टेट्स के आधार पर बताऊंगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप भी वर्ल्ड कप फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। फैन क्लब का हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक के बटन को हिट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली टीम जो कि वर्ल्ड कप 2019 में अब पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, अब इनके पास 0% चांस है क्वालिफाई करने के लिए, वो है अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान की टीम ने चार मैचेस खेले हैं, चारों मैचेस ये लोग हार गए हैं। इनके समय 0 पॉइंट्स चल रहे हैं, जैसा कि प्रिडिक्ट किया गया था कि इनके पास बिल्कुल भी चांस नहीं है सेमीफाइनल में पहुंचने का, वैसा ही हो रहा है। साथ ही इनके -1.6 का नेट रन रेट चल रहा है, तो नेट रन रेट भी किसी भी तरह से इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऑन एंड ऑन जैसा कि हम सभी लोगों को पता था कि अफगानिस्तान की टीम उतना कुछ अचीव नहीं कर सकती इस बार के वर्ल्ड कप में, ये इनके लिए शुरुआत है, वैसा ही हुआ है। और ये लोग भाई स्टेट्स के आधार पर भी, टेक्निकली भी और ऑफिशियली भी वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों दूसरी टीम जो कि वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो चुकी है वो है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम के पास 5% के आउटसाइड चांस बचे हुए हैं, मतलब ये मान के चलिए कि ये लोग बाहर हो गए, ऐसा होता नहीं है अमूमन। पाकिस्तान की टीम ने 5 मैचेस खेले हैं, इन्होंने सिर्फ 1 मैच जीता है और इनके 3 अंक चल रहे हैं। साथ ही इनका जो नेट रन रेट है वो बहुत ज्यादा फ्रेमिंग है, इनका नेट रन रेट -1.9 का चल रहा है। यहां से अगर पाकिस्तान की टीम अपने बचे हुए 4 में से 4 मैचेस जीत भी जाते हैं ना, तो इनके टोटल 11 अंक होंगे, 11 पॉइंट्स होंगे और इस बार के वर्ल्ड कप में आपको मिनिमम 12 पॉइंट्स की जरूरत होगी क्वालिफाई करने के लिए। तो 10-12 पॉइंट्स पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, 10-12 पॉइंट्स पे फिर वही होगा कि आपका नेट रन रेट देखा जाएगा, नेट रन रेट इनका वैसे ही खराब है। तो पाकिस्तान के पास 10% 5% के बहुत आउटसाइड चांस बचे हुए हैं जो कि कन्वर्ट अमूमन होते नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई तीसरी टीम की जो कि बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप से, वो है साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका की टीम के पास भी 10% या 15% के आउटसाइड चांस ही बचे हुए हैं क्योंकि इन्होंने 5 मैचेस खेले, सिर्फ 1 मैच जीता है, इनके 3 अंक है और -0.2 का इनका नेट रन रेट चल रहा है। तो नेट रन रेट इनका ठीक ठाक है, अगर ये बचे हुए मैचेस जीतते हैं तो इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ भाई 4 मैचेस बचे हुए हैं। अब ये 4 मैचेस जीत भी जाते हैं तो इनके टोटल 11 अंक होंगे, 11 अंक पर फिर आपके पास एक आउटसाइड चांस रह सकता है। तो साउथ अफ्रीका की टीम मेरे हिसाब से वो टीम हो सकती है जो शायद दरवाजे पर खड़ी रहे, ठकठकाती रहे और टेक्निकली बाहर हो जाए, क्योंकि इनका नेट रन रेट भी साथ नहीं देगा और क्या बचे हुए 4 में से 4 मैचेस जीत पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि साउथ अफ्रीका ने अच्छा क्रिकेट इस बार के वर्ल्ड कप में खेला नहीं है। मेरे हिसाब से तो साउथ अफ्रीका के ये मान के चले बहुत कम चांस है, ये लोग बाहर हो गए हैं। तो वही चौथी टीम जो कि वर्ल्ड कप 2019 से टेक्निकली बाहर हो चुकी है वो है श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की टीम ने 5 मैच खेले, 1 मैच जीता है, इनके 4 पॉइंट्स हैं समय क्योंकि इनके 2 मैच रद्द भी हुए थे और -1.7 का इनका नेट रन रेट चल रहा है। श्रीलंका के अभी भी भाई 4 मैचेस बचे हुए हैं और अगर ये 4 मैचेस जीत जाती है तो इनके 12 अंक होंगे, टेक्निकली आप 12 अंक पर क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या श्रीलंका अपने बचे हुए मैचेस जीत पाएंगी, मेरे हिसाब से तो नहीं, 4 मैचेस श्रीलंका जीत नहीं सकती। सबसे दूसरा बड़ा सवाल यही है कि इनका नेट रन रेट भी श्रीलंका का -1.7 का है, तो अगर ये दरवाजे तक पहुंच भी गए, बचे हुए मैचेस जीत भी गए, तो भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे टेक्निकली। तो भाई मेरे हिसाब से ये 4 टीमें वर्ल्ड कप 2019 से आधे मैचेस खत्म होने के बाद बाहर हो चुकी हैं। आपके हिसाब से कौन सी टीम इन है, कौन सी टीम आउट है और कौन सी टीम है जो 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।